अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू IELM कॉलेज नालाखुर्द। माई सेल्फ ज़हीरुद्दीन बाबर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज के लेक्चर नंबर 31 में जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो है हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने एक बात अपने ना माइंड में रखनी है कि जो जितनी भी डिजिटल डिवाइसेज हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, वो डाटा को बाइनरी फॉर्म में सेंड और रिसीव करती हैं। ठीक है, वो डाटा को जो अंडरस्टैंड करती हैं वो बाइनरी फॉर्म में करती हैं। बाइनरी फॉर्म कौन सी होती है? जिसमें दो डिजिट होते हैं, 0 या 1 या ऑन या ऑफ। ठीक है, इस तरह मीन उसकी 3rd या 4th कोई कंडीशन नहीं होती, जस्ट 2 कंडीशन होती है, या 0 होती है या 1 होती है। और 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को एंड 1 रिप्रेजेंट करता है ऑन को। ठीक है, इस तरह की कंडीशन होती है। हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, ये सिंपल आपको ये बता रहा हूँ कंसेप्ट, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर हैं, जो भी हैं, ये डाटा को सेंड और रिसीव इन बाइनरी फॉर्म में करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलें आप पढ़ते हैं। इनसाइड द कंप्यूटर डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, दीज आर 0 एंड 1। ईच बाइनरी डिजिट इज़ कॉल्ड बिट। और ये जो 0 और 1 होते हैं ये क्या कहलाते हैं? बिट कहलाते हैं। मीन ये 0 1 बिट है, 1 1 बिट है। ओके स्टूडेंट्स, और बिट क्या है? मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर, आपको ये पता चल गया कंप्यूटर के अंदर डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? कंप्यूटर के अंदर डाटा को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। एग्जाम्पल क्या है? ये हमारे पास है 9 क्या है? ये डेसिमल सिस्टम के अंदर है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम कौन सा होता है? जिसमें 0 से लेकर 9 तक वैल्यू होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 9 है। इसे अगर जब ये हम कंप्यूटर में 9 लिखते हैं तो ये 9 के पीछे जो बाइनरी फॉर्म होती है वो इस तरह की होती है, 1001। देखिए ये स्टूडेंट्स, ये क्या है? 9 है और इसकी बाइनरी फॉर्म ये है, 1001। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये बाइनरी फॉर्म के अंदर है। और ये इसकी बेस 10 है, इसका मतलब क्या है? ये डेसिमल सिस्टम में है और ये बाइनरी सिस्टम में है। ये जो 9 है, 9 का जो बाइनरी कोडिंग बनती है वो ये बनती है। ओके स्टूडेंट्स, ये किस तरह बनती है ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी बताऊँगा। और इसी तरह ये हमारे पास, जब हम कंप्यूटर के अंदर, मैंने आपको बताया कंप्यूटर के अंदर हम कुछ भी लिखते हैं, जो काम भी करते हैं, वीडियोस वगैरह चलाते हैं, इंटरनेट ऑन करते हैं, जो भी काम करते हैं, जो बैकग्राउंड पे काम हो रहा है वो बाइनरी फॉर्म के अंदर हो रहा है। हम जो भी लिखते हैं, हमारा डाटा सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद फिर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड करता है। लेकिन हमें जो नज़र आता है, हमें तो वो सिंपल चीज़ें नज़र आ रही हैं। जैसे एग्जांपल ये है कि हम कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं, जब ए प्रेस करते हैं तो जो इसके कॉन्सेप्ट है कि ए का जो है, AS अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के मुताबिक, ये एक स्कीम है जो डाटा, जो करेक्टर्स को उनके अकॉर्डिंग डिजिट्स में कन्वर्ट करती है। ठीक है, उसके मुताबिक ए की जो वैल्यू होती है वो 65 है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ए की जब भी वैल्यू होगी 65 वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 65 है, सबसे पहले ए है वो 65 में कन्वर्ट होगा। 65 में कन्वर्ट होने के बाद ये अपनी बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। 65 का जो बाइनरी बनता है वो ये बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किस तरह बनता है ये भी मैं आपको लाजमी नेक्स्ट इस लेक्चर में बता दूंगा। तो ये आप बताने का मकसद ये था कि कंप्यूटर में जो भी हम लिखें, कोई डिजिट लिखें, कोई करेक्टर लिखें, तो वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, और जो बाइनरी लैंग्वेज होती है वो 1-0 की लैंग्वेज होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ मीन बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा? डाटा की इनकोडिंग क्यों ज़रूरी है? डाटा की इनकोडिंग से क्या मुराद है? राइट इम्पोर्टेंट इनकोडिंग स्कीम्स टू रिप्रेजेंट डाटा इन टू द कंप्यूटर्स। और कौन कौन सी इनकोडिंग स्कीम हम यूज़ करते हैं डाटा को कन्वर्ट करने के लिए? ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है, व्हाट इज़ मीन बाय इनकोडिंग ऑफ डाटा? इनकोडिंग ऑफ डाटा, सिंपली इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग होता है कि किस डाटा की को, उसकी डाटा की जो ओरिजिनल फॉर्म है उसे किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके स्टूडेंट, इसे क्या बोलते हैं? इनकोडिंग बोलते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में इनकोडिंग से क्या मुराद होता है? कि डाटा हमारा जिस मर्जी फॉर्म में हो, करेक्टर हो, इमेज हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, ठीक है, जो मर्जी हमारा डाटा हो,
हमने अपने कंप्यूटर, आपको पता है अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर ने जो भी डाटा को समझना है वो बाइनरी फॉर्म में समझना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखें हमारे पास डाटा की जो मर्ज़ी फॉर्म हो, टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, जिस मर्ज़ी फॉर्म में डाटा हो, जब वो कंप्यूटर में जाएगा तो पहले उसने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होना है। जब वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग ऑफ डाटा बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इसे पढ़ते हैं, ए कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा इन बाइनरी फॉर्म, सो ऑल टाइप ऑफ डाटा मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बिफोर स्टोरिंग इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जब डाटा स्टोर होता है तो सबसे पहले वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड इनकोडिंग ऑफ डाटा, और डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डाटा के इनकोडिंग कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इम्पोर्टेंट इनकोडिंग स्कीम्स कौन कौन सी हैं, मीन हमारे जो डाटा को कन्वर्ट करती हैं, जो करैक्टर रिप्रेजेंटेशन है, मीन हमारा डाटा है करैक्टर्स के अंदर, तो उसे किस तरह हम कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास इनकोडिंग स्कीम्स हैं। इसमें सबसे पहली है ASCII, इससे क्या बनता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह क्या है, BCD है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, इस तरह EBCDIC है, और इसी तरह यूनिकोड है। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 इनकोडिंग स्कीम है जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है ASCII, ये क्या है, ASCII एक्सटेंडेड नेम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, ये एक अमेरिका ने बनाई है ये स्कीम। इसमें क्या होता है, जो हमारे जितने भी करैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर, बाइनरी फॉर्म के अंदर। सपोज हम कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर, अपना नाम लिखते हैं, तो वो सबसे पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या करता है, मीन इस स्कीम में होता क्या है, ये स्कीम है 7-bit कोडिंग स्कीम है। ये स्कीम क्या है, 7-bit कोडिंग स्कीम है, और 7-bit कोडिंग स्कीम है और डाटा को कन्वर्ट करती है। अब ये देखें 7-bit कोडिंग स्कीम से मुराद क्या है, ये 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, ये कितने बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये कितने हैं, 7 है, ये 7-bit कोडिंग स्कीम है। अब इन सब को आपने प्लस करना है, प्लस करें तो कितना आएगा, हमारे पास 64 है, प्लस ये 125 बनता है, ठीक है, 16 प्लस 8, जल्दी से करें आप, ये 127 है, ठीक है, इन सबको प्लस करें तो कितना बनता है, 127। अब 127 तक जो हमारा डाटा होगा, मीन 127 तक वो जो डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, तो किस कोडिंग स्कीम के तहत इसे कन्वर्ट करेंगे, इस कोडिंग स्कीम के तहत, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक ऐसी कोडिंग स्कीम है जो कि 7-bit है, 7-bit से मुराद ये है 1, 2, ये वाली 7-bit। ओके स्टूडेंट, और इसकी लेंथ कितनी है, मीन ये कितनी मकदार तक डाटा को कन्वर्ट कर सकती है, ये 127 डिजिट तक डाटा को कन्वर्ट कर सकती है। ओके स्टूडेंट, मतलब देखें जैसे A = क्या था, 65 था। ओके स्टूडेंट, अब ए ही, अगर ए को ही हम फ़र्ज़ करें, हमने ए लिखा है कंप्यूटर के अंदर, अब ए ने सबसे पहले इस कोडिंग स्कीम के तहत बाइनरी में कन्वर्ट होना है, तो वो किस तरह होगा, देखिए स्टूडेंट्स, ए किस तरह होगा, ए क्या है 65, ये 64 है, इसका एक आ जाएगा, और 64 और 1 को प्लस करें तो क्या बनता है, 65 बनता है, मीन हमें 64 चाहिए और 1 चाहिए, बाकी हमें नहीं चाहिए, जो हमें चाहिए उनके नीचे हम 1 लगा देंगे। ओके स्टूडेंट, मीन ये चाहिए 1, ये हो जाएगा, और 1 ये हो जाएगा, ठीक है, और बाकी इसमें सारे क्या आ जाएंगे, 5 0 आ जाएंगे, मीन 1 0 0 0 0 0 और 1, ये किसकी होगी, ये ए की इनकोडिंग स्कीम होगी, ए को किस तरह बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं वो इस तरह करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपको वैसे बताने के लिए। अब ये जो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, ये देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, 32 प्लस 4 है, और ये टोटल कितना बनता है, 36। अब 36 है हमारे पास, इसे जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह करेंगे, ये हमारे पास 7-bit कोडिंग स्कीम है, ये इसी तरह ही लिखेंगे, ये आपने याद रखना है, 32 ये इधर आता है 32। ओके स्टूडेंट्स,
और हमें क्या 4 और 4 चाहिए, मीन 32 और 4 को प्लस करें ये 36 बनता है। जो हमें चाहिए उनके नीचे 1 लगा देना है और बाकी सब के नीचे क्या लगा देना, 0। ये देखें 1 चाहिए नहीं चाहिए 0 लगा देना, 2 चाहिए नहीं चाहिए 0 लगा देना, 4 चाहिए हमें इसके नीचे 1 लगा देना है, 8 के नीचे 0 लगा देना है, 16 के नीचे 0 लगा देना है, 32 हमें चाहिए ये इसके नीचे 1 लगा देना है, और 64 हमें नहीं चाहिए इसके नीचे क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। अब हमें क्या चाहिए 1। अब हमारी जो क्या बनेगी 36 का बाइनरी क्या बनेगा, 100100। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है मीन किस तरह डाटा को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इंशाल्लाह जब ये हमारी इनकोडिंग स्कीम आएगी प्रॉपर, मैं आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में बताऊंगा ये किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। ये जस्ट एग्जांपल थी आपको बताने के लिए कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज किस तरह काम करती है। अब इसी तरह ही है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल किस तरह का मीन, हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या कोई बाइनरी नंबर है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वो किस तरह होगा। अब डेसिमल किसे कहते हैं, 10 का निज़ाम। जो 10 का निज़ाम होता है इसमें 0 से लेके 9 तक वैल्यू होती हैं। ये देखें डेसिमल है, 0 से लेके 9 तक वैल्यू होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब बाइनरी टू डेसिमल क्या होता है, ये 4 बिट कोडिंग स्कीम है। वो कितनी थी, 7 बिट कोडिंग स्कीम है। ओके स्टूडेंट्स, ये 7 बिट कोडिंग स्कीम है, ये 4 बिट कोडिंग स्कीम है। 0 को डेसिमल का जो 0 है इसे बाइनरी 0 में लिखते हैं तो 40 लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, जो 1 है इसे हम किस तरह लिखेंगे, 1 लिख के मीन 000। ये 000 लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जाहिर करने के लिए कि ये डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके स्टूडेंट, इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है, 000 लिखे हुए हैं साथ। इसी तरह 2 है, 2 पे ये बाइनरी बनती है। ये आपको बताया गया है कि डेसिमल से बाइनरी किस तरह कन्वर्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो आपकी बुक है, आपकी बुक पे ये क्वेश्चन किस तरह है तो हम इसे आप पढ़ लेते हैं। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 था, हाउ डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर। डाटा रिप्रेजेंटेड इनसाइड द कंप्यूटर, डाटा इज़ रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म। बाइनरी मीन टू, बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, दीज आर 0 and 1। ईच बाइनरी डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाई इलेक्ट्रिक पल्स इन साइड द कंप्यूटर। डिजिट 1 इज रिप्रेजेंटेड बाई द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 किस लिए होता है, प्रेजेंस के लिए, मीन के कोई चीज़ प्रेजेंट है या मौजूद है तो उसके लिए 1 होगा। और 0 किसके लिए होता है, एब्सेंस के लिए होता है। ठीक है, एब्सेंट है ये, मीन गैर मौजूदगी के लिए। जब कोई डाटा आ रहा है तो उसके लिए 1 होगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर 0 होगा। ओके स्टूडेंट, ईच बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट। और ये 0 और 1 क्या कहलाता है, बिट कहलाता है। और बिट क्या है, मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ डाटा, ए कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड बाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये सीखा हुआ है, सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, बिट होता है। बिट में क्या होता है, 0 और 1, और उसके बाद बिट, जब ये 8 बिट मिल जाती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टिपिकली ए सिंगल करेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाई 8 बिट इन साइड द कंप्यूटर्स। अब क्या है, वट इज़ मीन बाई इनकोडिंग ऑफ डाटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। वट इज़ मीन बाई इनकोडिंग ऑफ डाटा, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट इनकोडिंग स्कीम टू रिप्रेजेंट डाटा इन कंप्यूटर। बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इनकोडिंग ऑफ डाटा क्या होता है, कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड प्रोसेस डाटा इन बाइनरी फॉर्म। देयरफॉर ऑल डाटा न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म बिफोर स्टोरिंग इन साइड द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है, बाइनरी फॉर्म में डाटा को एक्सेप्ट एंड रिसीव करता है, और इसलिए जितना भी हमारा डाटा होता है वो सबसे पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू बाइनरी फॉर्म इज कॉल्ड इनकोडिंग ऑफ डाटा। और यही जो तरीका जिसमें हम डाटा कन्वर्ट करते हैं ये क्या कहलाता है, इनकोडिंग ऑफ डाटा। अब हमारे पास कौन कौन सी इनकोडिंग स्कीम है, एक है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये हमारे पास कोडिंग स्कीम है। अब इसे हम पढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाइनरी कोडी डेसिमल क्या होता है, बाइनरी कोडी डेसिमल स्टैंड फॉर बाइनरी कोडी डेसिमल, इट इज़ 4 बिट कोड्स। इट मीन दैट ईच डिजिट ऑफ डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द 4 बिट। ओके स्टूडेंट, कोई भी हमारा डेसिमल नंबर होगा वो 4, ये देखें ये कोई भी नंबर है, जैसे 9 है ये डेसिमल का है, और ये 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा, 1001। ये 8 है ये भी 4 बिट में है। ओके स्टूडेंट्स, दी कोडिंग स्कीम
वाज यूज़ इन अर्लियर कंप्यूटर, ये पहले कंप्यूटर में यूज़ की जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज यूज़ ओनली टू रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस द न्यूमेरिक डाटा। अब ये जस्ट न्यूमेरिक डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती थी। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे ये करेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, मीन जो न्यूमेरिक डाटा होता था जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इस डेसिमल डाटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती थी। ओके स्टूडेंट्स, अब दूसरी है ये वाली, इसे क्या बोलते हैं, EBCDIC, स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इट इज़ एन 8-bit कोड। ये कितनी है, 8-bit कोडिंग स्कीम होती है। इन दिस कोडिंग स्कीम 256 डिफरेंट करेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन साइड द कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट, उसमें कितने थे करेक्टर्स, उसमें जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है इसमें मैक्सिमम 9 करेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन जो बाइनरी कोडेड डेसिमल स्कीम है ये वाली एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल स्कीम, इसमें 256 करेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ यूज बाई IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ये IBM कंपनी है कंप्यूटर्स की, वो जो है वो इस स्कीम को यूज़ करती है। इसके अलावा ये बहुत कम इस्तेमाल की जाने वाली स्कीम है। जो मोस्टली स्कीम हमारे कंप्यूटर्स के अंदर डाटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है वो है ASCII कोड स्कीम कहलाती है। ठीक है, ये क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इट वॉज डिवेल्प बाई अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इट इज़ अ स्टैंडर्ड कोड ऑफ रिप्रेजेंट अल्फा न्यूमेरिक डाटा। ओके स्टूडेंट्स, ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा हमारे पास जो ABC वगैरह जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें किस तरह बिट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है ये हमें बताती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। द फर्स्ट अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड वाज 7-bit कोडिंग स्कीम। ये कितनी थी, सबसे पहले ये 7-bit कोडिंग स्कीम थी, ये जो मैंने आपको बताया ना अमेरिकन स्टैंडर्ड, ये 7-bit कोडिंग स्कीम थी और इसमें 127 तक जो हमारा डाटा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, 7-bit कोडिंग स्कीम है और उसके बाद इसे मजीद जो है ना 8-bit कोडिंग स्कीम बना दिया गया है। ओके स्टूडेंट, 7-bit कोडिंग स्कीम वो 128 करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। 128 करेक्टर हैं लेकिन ये 0 से लेके 127 तक बनता है। ओके स्टूडेंट, जब हम 0 भी काउंट करते हैं तो इसी तरह 8-bit कोडिंग स्कीम रिप्रेजेंट 256 करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, मोस्टली हमारी जो अल्फ़ाबेट हैं ABC वगैरह वो तकरीबन 256 से कम ही उनकी बनते हैं डेसिमल नंबर, तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे जितने भी नाम हैं, कोई भी नाम या पाकिस्तान कुछ भी हम लिखते हैं ना, तो वो कंप्यूटर में जो जब कोड किया जाता है तो वो इस स्कीम के तहत वो कोड होगा बाइनरी फॉर्म के अंदर। ओके स्टूडेंट, और ये किस तरह कोड होता है ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। मीन इस तरह, मीन जब हम कुछ भी लिखते हैं सबसे पहले वो डेसिमल में कन्वर्ट होगा, डेसिमल कन्वर्ट होने के बाद इस स्कीम के तहत ये बाइनरी में कोड कर दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद लास्ट में यूनिकोड कोडिंग स्कीम है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनकोडिंग स्कीम है। यूनिकोड स्टैंड फॉर यूनिवर्सल कोड। इट इज़ अ 16-bit कोडिंग स्कीम है। ये क्या है, 8-bit कोडिंग स्कीम है और ये क्या है, 16-bit है। इट कैन रिप्रेजेंट 65536, मीन ये इतने करेक्टर्स को क्या कर सकती है, इतनी लेंथ के करेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकती है। ओके स्टूडेंट्स, 2 की पावर 16, तो ये इतने करेक्टर बनते हैं। ठीक, करेक्टर आर सिंबल्स। इट इज़ डिवेल्प बाय फॉलोइंग द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम्स। मीन ये जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडिंग स्कीम है ना स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम जो करेक्टर की लेंथ है वो 256 तक इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेकिन जब इससे बड़ी कोई वैल्यू आ गई है तो उसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसी कोडिंग स्कीम को हमने क्या किया हुआ है, मॉडरेट कर दिया हुआ है, एक्सटेंड कर दिया हुआ है, और एक्सटेंड करने से बाद ये क्या बन गया, यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड। यूनिवर्सल कोड क्यों नाम दिया गया है, जो भी हमारा डाटा है, जो भी टाइप है उस डाटा की, वीडियो डाटा, ऑडियो, करेक्टर, जो भी है, जब वो कंप्यूटर में जाता है तो वो यूनिकोड उसे क्या कर देती है, कन्वर्ट करती है बाइनरी फॉर्म के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ वेल बाय फॉलोइंग द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोडिंग स्कीम। द फर्स्ट 256 कोड इज़ यूनिकोड आर आइडेंटिकल टू 256 कोड यूजिंग द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स,
कह रहा है कि जो पहले 256 करेक्टर होते हैं वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के तहत कन्वर्ट किए जाते हैं, अगर इससे बड़ा कोई करेक्टर आ जाए तो फिर हम उसे क्या कहते हैं कि ये यूनिवर्सल कोड स्कीम के तहत से कन्वर्ट किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास कोडिंग स्कीम है जो कि कंप्यूटर के अंदर यूज़ की जाती हैं, जो डाटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसे अच्छे तरीके से याद करना है, ये एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा आ चुका है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।